सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज जो बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, इनकी डिमांड है ना सालों भर बनी रहती है, तो दोस्तों आप इसी का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये काफ़ी डिमांड वाले बिजनेस है और हर कोई इसका यूज़ करता है। तो दोस्तों ये बिजनेस है, पहला इसमें बिजनेस आता है स्टेशनरी शॉप का बिजनेस। अब स्टेशनरी में आप जानते हैं कॉपी किताबें पेन पेंसिल, ये हर किसी को जरूरत होती है, स्टूडेंट को जरूरत होती है। तो दोस्तों ये साल भर चलता ही रहता है, आप इसी का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ आप फोटो स्टेट वगैरह भी मशीन वगैरह भी रख सकते हैं या फिर लेमिनेशन वगैरह की मशीन वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ना इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी लागत की बात करूँ तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख में ये बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट लगाकर ये बिजनेस करना चाहते हैं। आप इस माल को ना होलसेलर, यानी कि जो दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, या फिर अपनी सिटी में जो होलसेलर होते हैं कॉपी किताब पेन पेंसिल के, उनसे आप माल लेकर ये बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कस्टमर को स्कीम्स वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आपको किताबें वगैरह आपको दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी आपके पास की जो मेट्रो सिटी है, या फिर दोस्तों अपनी सिटी में जो होलसेलर होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करके ये माल ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसको सेल कर सकते हैं। आपको ये शॉप है ना अच्छी सी जगह पर देख रहे हैं, ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह आस पास में ज़्यादा हो, या फिर मेन मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ रहती हो, तो वहाँ से आप ये शॉप शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केटिंग की बात करूँ दोस्तों, आपको मार्केटिंग इसमें ज़्यादा स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में नाम मार्केटिंग करेंगे तो भी आपका बिजनेस चली जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस है ना हैंड टू हैंड चल जाता है। यानी दोस्तों जैसे ही आपने शुरुआत की वैसे कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। आप एक दो हेल्पर अपने साथ रख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप खुद भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक हेल्पर और एक आप खुद मिलकर ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप है ना इसमें प्रॉफिट की बात करूँ आराम 30 से 40 हज़ार रुपये तो आप आराम से कमा लेंगे। अगर 1 लाख 2 लाख से आप इन्वेस्टमेंट से करते हैं ना, तो 30 से 40 हज़ार रुपये तो आप आराम से कमा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप है ना इस स्टेशनरी शॉप का बिजनेस शुरू करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा बिजनेस आता है लहंगा शॉप का बिजनेस। आप दोस्तों लहंगा साड़ी वगैरह होती है, इनकी डिमांड भी साल भर बनी रहती है। तो दोस्तों आप इसी का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अपनी सिटी में कहीं अच्छी लोकेशन पे शॉप वगैरह ले सकते हैं, जहां पे आसपास में कोई लहंगा वगैरह की शॉप ना हो, तो पहले आप ये रिसर्च जरूर कर लें। उसके बाद दोस्तों आप शॉप लेकर वहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आप दोस्तों आप सभी जानते होंगे लहंगा वगैरह साड़ी वगैरह में कितना प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको 30 से 40% मार्जिन तो मिलता ही मिलता है, यानी कि दोस्तों 20% मार्जिन तो आराम से आप कमा ही सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो एक लहंगा वगैरह भी आप सेल करते हैं तो आराम से 1000-1500 रुपये आप एक लहंगे में कम से कम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप साड़ी के अंदर भी यही आप इस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का लहंगा लेना चाहते हैं और कौन सा लहंगा आप बेच रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप है ना इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप दिन के 2000-3000-5000-10000 भी रुपए कमा सकते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करूँ दोस्तों, आप 1 लाख 2 लाख से इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको होलसेलरों से, जो होलसेलर होते हैं बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के होलसेलर होते हैं, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके मैन्युफैक्चरर हैं जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ से भी आप डायरेक्ट माल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना आप ना इसी का लहंगा और साड़ी का बिजनेस करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सूट वगैरह भी रख सकते हैं, लेडीज़ सूट वगैरह आते हैं और लेडीज़ के जो भी आइटम्स वगैरह आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो बाद की बात है दोस्तों, पहले आप लहंगा और साड़ी से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों जो प्रॉफिट की बात करूँ आराम से 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से आप कमा लेंगे। एक हेल्पर रखना होगा आपको साथ में, एक या दो हेल्पर आप रखकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इनको माल को सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शॉप पर बेच सकते, आप ऑनलाइन सेलर बन जाइए। अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, स्नैपडील वगैरह, इन पर आप सेलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप ऑनलाइन भी लहंगा और साड़ी वगैरह को सेल कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रॉफिट है ना मिलता ही मिलता है, आप आराम से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों इस लहंगा शॉप का बिजनेस शुरू कीजिए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।